सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड विदाउट वेस्टिंग टावर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सिलेबस फॉर द पी जी इकोनॉमिक्स पी जी क्यू फोर्टी फोर है कहीं कहीं सी पी क्यू पी टेन लिखा रहता है ऑल टूगेदर इट्स सेम इट्स सी यू ई टी सिलेबस आज हम सिलेबस को रिलुक करेंगे रिलुक मीन्स हाउ टू सी द सिलेबस फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड वाई आई कॉल सी यू टी इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन एक्सेप्ट आई आई टी जैम गेट एंड आई एस आई rest all the examination chaiwa dse ho jnu ho igidr ho hcu ho iift ho all these are top 5 6 institutes which is the uh, prominent in the field of research placement as well as academics so we will be discussing the first syllabus portion hardly this video will be of 8 to 10 minutes प्लीज़ पे योर अटेंसन एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल हाउ टू सी द सलेबस फ्राम डिस डिफरेंट परस्पेक्टिव बिकॉज टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का एग्जाम वुड नॉट बी लेस टफर दैन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री येस फॉर श्योर एग्जामिनेशन आपका ट्वेंटी थ्री के एट पार होगा या उससे अधिक टफ होगा सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके लिए मैंने आपको बुक ऑलरेडी बता रखा है द बुक बेस्ट बुक विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम माय साइड टू या थ्री काइंड्स ऑफ बुक्स पढ़ेंगे आप वन टू सिक्स चैप्टर आप हल आर वेरियन का पढ़ेंगे हल आर वेरियन वन टू सिक्स आफ्टर दैट फॉर मार्केट कौसियानिस इज वेरी गुड बुक ठीक है और ऑल द बुक्स आर अवेलेबल ऑन नवीनॉमिक्स ऐप गो टू द ऐप देन

और एच एल आहूजा ठीक है यह तीन से चार बुक हैं आपको जो भी पसंद है उसमें से कोई एक जरूर आप पढ़ेंगे दिस हाल आर वेरियन वन टू तो सिक्स इज मस्ट देन यू कैन गो फॉर कोतिया फिर और एच एल आहुजा एनी इज ओके इफ यू हैव टू तो सेलेक्ट जस्ट वन बुक आई वुड से गो विथ एच एल आहुजा फॉर सी यू टी लेवल यस yes, एच एलहूजा एडवांस एच एल आहुजा माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स एवरीथिंग सो so, यह आपका सारा कवर हो जाएगा कंज्यूमर थ्योरी प्रोडक्शन थ्योरी एंड आउटपुट इस बार आउटपुट एंड मार्केट में लास्ट टाइम गेम थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया था दिस टाइम यू मस्ट रीड गेम थ्योरी आई एम टेलिंग बेसिक्स ऑफ गेम थ्योरी आपको वो पूछेंगे जैसे टिट फोर टैट हो गए बिजनेस डायलमा हो गए से एक्म हो गए डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गए ये सब क्या होता है मैच द फॉलोइंग करके थियरी पोर्सन दे विल आस्क लास्ट टाइम आई थिंक क्वेश्चन वज नॉट फ्राम द गम थे सो गेम थ्री से क्वेश्चन आक है देर इज ए वेरी हाई चांस आप लोग इसको कर लेंगे वट एवर इज रिटन एयर ओलिगोपोली से लेकर गेम थ्री तक आप कर लेंगे और बाकी जो मार्केट का आपको तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही इोनोपोली है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है मोनोपोलिस्टिक है डुपोली है ओलिगोपोली मॉडल्स है ठीक है जनरल इक्वरियम प्राइस एफिशेंसी वेलफेयर इसके बेसिक बेसिक्स आएंगे लेकिन गेम थियरी से पक्का एक क्वेश्चन आएगा यहाँ तक मुझे लग रहा है दिस इज माई प्रोडक्शन माइक्रो में हो गया आपका फिर यह मैक्रो मैक्रो और मनी बैंकिंग और कंजम्पन यह जो तीन यूनिट है दिस ऑल आर टूगेदर डोंट रीड इट सेपरेटली ठीक है तो इसमें जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के न्यूमरिकल्स रहेंगे ही नेशनल इनकम अकाउंटिंग और जो ये मनी मल्टीप्लायर वाला कंसेप्ट है एंड प्लीज डोंट स्टॉप टिल क्लासिकल एंड किंसियन गो बियॉन्ड दैट आपको यहाँ पे मॉनिटरी भी करने हैं न्यू क्लासिकल न्यू क्लासिकल भी करने हैं एंड बेसिक्स ऑफ न्यू किंसियन भी करने हैं मैक्रो इकोनॉमिकली बेस्ट बुक अगर आप अगेन पूछोगे जस्ट वन बुक तो एच एल अहूजा है बेस्ट बुक जस्ट वन बुक बट अपार्ट फ्रॉम दिस ओलिवर ब्लैंडार्ड है ठीक है उसके बाद मैनकिव है एंड डॉन विस्फिसर है इफ टाइम अलाउज यू कैन रीड फ्रो एन एज वेल ठीक है दीज ऑल आर द बेस्ट बुक जस्ट वन बुक इफ यू वॉन्ट जस्ट चलो हो जा माइक्रो इकोनॉमिक्स यू कैन गो इवन दुवेदी इज वेरी गुड बुक हो गया वही मनी बैंकिंग कंजम्पन यह तीनों एक ही बुक में मिल जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोई एक बुक में यह तीनों रहेगा फिर है स्टेटिस्टिक्स मैथड एंड इकोनॉमिक्स सी स्टेटिस्टिकल मैथड्स है सो वेन एवर इट इज रिटन स्टेटिस्टिकल मैथड लास्ट ईयर ट्वेंटी फोर में सी एल आर एम से एक क्वेश्चन आया था क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इसका मतलब यह हुआ कि दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स सो स्टैटिस्टिकल मैथड्स का मतलब हुआ कि बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स एक दो चैप्टर आएंगे इस बार जो है आप लोग क्या पढ़ के जाओगे मैं बता दे रहा हूँ हेट्रोसेडास्टिसिटी होमोसेडास्टिसिटी ऑटो कोरिलेशन मल्टी कोलिनेशन ये सब आप पढ़ लोगे ये सब क्लास में मैं बेसिक करवा रहा हूँ तो बेसिक यू शुड नो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस दिस टाइम क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं उसके पीछे रीजन है दिस टाइम देर इज अ हाई चांस कि आपका जामिया भी रहेगा सी ई टी में देर इज अ वेरी हाई चांस कि आई जी डी आई आर भी शायद रहे पार्शियली आई जी डी आई आर कुड बी देयर और आपका डी एस सी जे एन यू एच यू ये सब तो हैं भाई ये सब टॉप इंस्टीट्यूट हैं लिविंग आई एस आई एंड आई आई टी ऑल द इंस्टीट्यूट्स आर अंडर दिस सी ऊी सो यू सी द नेचर ऑफ सिलेबस एट पार इट्स क्लासिकल सिलेबस डी यू से काफ़ी मिलता जुला सिलेबस है जो डी यू से ग्रेजुएशन किए हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स फॉर देम इट्स नॉट अ बिग डील तो स्टेटिस्टिकल मेथड में जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम दैट द एक्स्ट्रा टू लाई एम टेलिंग यू फॉर स्टेटिस्टिक्स यू कैन रेफर एस सी गुप्ता बुक इज़ वेरी गुड या फिर गुप्ता एंड कपूर और एक अग्रवाल की भी बुक आती है बट वन बुक इफ़ यू हैव टू रेफर जस्ट गुप्ता एंड कपूर की एक बुक ले लेंगे ठीक है गुप्ता एंड कपूर स्टैटिस्टिक्स दैट इज द बेस्ट बुक वही मीन मीडियन मोर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिंपल डिग्रेशन कोरिलेशन प्रोबेबिलिटी ठीक है जिसे प्रोबेबिलिटी इसमें लिखा हुआ है बट प्रोबेबिलिटी से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन करके एक प्रोबेबिलिटी रहेगी एंड दिस टाइम देर इज अ वेरी हाई चांस अगेन वन टू टू एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द इको ट्रिक्स सो दिस इज द रिवाइज फॉर्म ऑफ सिलेबस सी वी सी फ्रॉम द लार्जेस्ट परस्पेक्टिव आई बीन इन दिस फील्ड फॉर लास्ट सेवन एट ईयर स्टर्डिंग इकोनॉमिक्स आई हैव गिवन टू इंटरव्यू फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन ऑन पेपर दे हैव नॉट अपडेटेड द सलेबस लाइक नेट जी आर एफ उन्होंने बोल दिया कि वो पेपर अब सिलेबस चेंज करेंगे सो सिमिलरली सी यू टी इज ऑल्सो इवोलविंग यू योर सेल्फ अपडेट राइट एनि मेन इन माई क्लास नविनोमिक्स क्लास जो कि मैं पढ़ाता हूँ उस पर भी मैं एक्स्ट्रा लेवल तक जाता हूँ आई डोंट स्टिक टू दिस सलेबस ऑनली मैं बोला हूँ यह सिलेबस जस्ट वन हंड्रेड परसेंट है वी हैव टू कवर वन हंड्रेड टेन परसेंट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर एक्स्ट्रा और जो एक्स्ट्रा टेन परसेंट रहेंगे यह बेसिक्स से आते हैं एकदम बेसिक पूछते हैं दैट इज द ब्यूटी ठीक है फिर वही मैथेमेटिक्स हाँ मैथेमेटिक्स का जो है दायरा इसका लिमिटेड है दे वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दिस सिलेबस यही सिलेबस से ये पूछते हैं फंक्शन रिलेशन इस बार थोड़ा देख लीजिएगा फंक्शन रिलेशन में आने की ज़्यादा चांस है बाकी वही डिटर्मिनंट है मैट्रिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन है एल से शायद एक न्यूमेरिकल इस बार आ जाए लास्ट टाइम जस्ट वन थ्योरी केम फिर डिफरेंशियल है कैलकुलस से आएंगे इंटीग्रेशन से आएंगे ही कंज्यूमर थ्योरी पे मुझे पूरा लग रहा है इस बार कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आएगा ही आएगा ठीक है बुक वही मैंने बता दिया जस्ट वन बुक इफ़ यू आस्क मी दैट सिडस्टर एंड हैमंड ठीक है एंड ऑल बुक्स आर अवेलेबल इन द पी डी एफ फॉर्म ऑन द नवी नॉमिक्स ऐप एन वी आई नवी एन ओ एम आई सी एस नवीनॉमिक्स एप पर जाएंगे आप और लेफ्ट साइड कॉर्नर में फ्री स्टडी मटेरियल है एवरीथिंग इज अवेलेबल या फिर डब्ल्यू डब्लू डॉट एन वी आई एन ओ एम आई सी एस डॉट इन इस पर भी आप चेक कर सकते हैं ठीक है एवरी थिंग इज देयर दिस इज द इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल टाइम फेवरेट फिफ्टीन क्वेश्चन फोर श्योर बुक का मैंने माम बता दिया जस्ट वन बुक देन मिश्रा एंड पूरी इफ यू वॉन्ट टू बुक्स मिश्रा एंड पुरी सप्लीमेंटेड विथ रमेश सिंह सॉरी जस्ट गो इन अनदर वे हाइएस्ट इल्डिंग बुक इज रमेश सिंह रमेश सिंह से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे मोर देन एट्टी परसेंट इफ यू वॉन्ट समथिंग एक्स्ट्रा तो यू कैन जस्ट कीप अपडेटेड विद द बजट इकोनॉमिक सर्वे करेंट अफेयर्स सप्लीमेंटेड विथ मिश्रायनपुरी तो मिश्रायनपुरी रमेश सिंह एंड करेंट अफेयर्स आपका नाइन्टी परसेंट आराम सिलेबस कवर हो जाएगा एक दो क्वेश्चन शायद ना भी बने टफ भी हो तो प्लीज डोंट इग्नोर इट इंडियन इकोनॉमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के जो यहां तक पोर्सन है दिस वाला पोर्सन हियर फ्रॉम दिस इट सिम्स वेरी लार्ज बट हार्डली टू टू थ्री क्वेश्चन विल बी कमिंग रेस्ट ऑफ द ट्वेल्व क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस एरिया आई मीन नाइनटीन फिफ्टीज़ टू टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से नियरली ट्वेल्व क्वेश्चन आएंगे एंड फ्राम एटीज फिफ्टीज टू नाइनटीन फिफ्टीज़ हार्डली टू टू थ्री क्वेश्चन आएंगे कॉलोनील एरा जिसको बोलते हैं राइट सो दिस इज द वे यू शुड ब्रेक डाउन द सिलेबस एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ए क्रोनोलॉजिकल वे और उसको लेकर कोर्स से चल रहे हैं दैट आई जस्ट वाई वुड लाइक टू टेल मैनी पीपल कि सर कोर्स में क्या डिफरेंस देखिए दोनों कोर्स ऑलमोस्ट सेम है मैं लाइव क्लास लेता हूँ क्वालिटी में सेम नहीं रहेगा मैं ही पढ़ाता हूँ देयर जो कोर्स वैलिडिटी है द कोर्स वाट यू कैन सी दैट सम ऑफर इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन टू सेवन डबल नाइन में इसमें न्यू ईयर का कुछ ऑफर है अभी एच एन वाई टू टू फोर समथिंग इफ यू अप्लाई तो यू विल गेट सम न्यू ईयर कूपन इज देयर, सो कोर्स फी इज नियरली दिस ऑनली एंड दिस इज द वैलिड टिल अप्रिल ट्वेंटी फोर बट पीपल हु वॉन्ट टू राइट जैसे कि देर इज ए वेरी हाई चांस कि मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया और फिर गोखले वगैरह यह अभी तक ऑटोनोमस रहेंगी आई एफ टी हो गई यह सब शायद अभी अलग ही रहेंगी एंड दीज पीपल दीज इंस्टीट्यूशन टेक एग्जाम इन मई एंड जून सो फॉर दिस इफ यू वॉन्ट एक्स्ट्रा वेलिडिटी यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इज ऑलमोस्ट सेम ठीक है दीज ऑल आर द दीज आर द फर्स्ट बैच ऑफ नवीनॉमिक्स एंड आई एम हैप्पी टू शेयर मोर देन फिफ्टी पीपल गॉट वेरी गुड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक डी एस सी जे एन यू एच सी यू गोखले एम एस सी आई जी डी ए आर दीज ऑल आर द प्रूफ एंड वी हैव इनफैक्ट द रिसट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑन द ऐप

So please download the app <coughs> or these all are my contact. This is my personal contact, Navi Navneet, my Telegram. And the rest are handled by team. Chah, this is my email. You can WhatsApp us, call us. This is our Instagram handle. Follow on Instagram. Daily quiz are coming there. और गूगल प्ले पे आपका स्टोर है नवीनॉमिक्स एन वी आई नवी एन ओ एम आई सी एस नवी नॉमिक्स ऐप है यू कैन डाउनलोड इट एंड पीपल हु वांट टू एक्सेस ऑन आईओएस ओ लैपटॉप यू कैन जस्ट फॉलो हियर दिस वाला साइट डब्लू 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 डॉट एन वी आई एन ओ एम आई सी एस डॉट इन ठीक है सो नवनीत प्लस इकोनॉमिक्स से मैंने नवीनॉमिक्स बनाया था ठीक है नवी इज़ अनदर फॉर्म एंड इकोनॉमिक्स को मैंने नॉमिक्स बनाया तो दैट इज नॉमिक्स जस्ट जो आई से आपको सिलेबस समझ में आ गया द मेन इंटेंशन ऑफ दिस टू डिस्कस दिलेबस को आपको इसी तरह पढ़ना है तो मेजर हमारे पास देखिए क्या हो गया माइक्रो मैक्रो मैथ्स स्टैट्स इंडियन इकोनॉमी राइट एक और टॉपिक जो मैं मिस कर रहा हूँ दैट इज द इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड से लिमिटेड टॉपिक आते हैं ये रहा पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड तो पब्लिक फाइनेंस जो आपका टैक्स वैक्स है फिजिकल फेडरलिज्म है यह आईपीएफ है इंडियन पब्लिक फाइनेंस है वही रमेश सिंह और मिश्रापुरी से हो जाएगा अलग से नहीं बुक पढ़ना है बट जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है इसके लिए बाइबल ऑफ दिस बुक है दैट इज कौन सी बुक है जस्ट कॉमेंट कीजिए आई एम टेकिंग पॉस ऑफ टेन सेकेंड सलवाटो डॉनमिक सलवाटो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसके बस तीन या चार बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने हैं सारे क्लासिकल ट्रेड थियोरी पढ़ लेंगे एडमिसमे का और न्यू ट्रेड थ्योरी में आपका जो दिए हुए हैं क्रूगमेन जी स्केल uh, पे कैसे होता है जब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होंगे फिर आगे जाएंगे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल जाएंगे थोड़ा कोटा पढ़ लेंगे थोड़ा टेरिफ पढ़ लेंगे अगेन गो बियॉन्ड दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इकोनमिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे सो क्वेश्चन विल भी डायरेक्टली कमिंग फ्राम लास्ट टाइम ओनली थ्री क्वेश्चन आई सॉ दिस इयर फोर टू फाइव क्वेश्चन वी कुम द

एक दो तीन चार मैथ स्टैंड आई सी टूगेदर बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड टूच एदर यही चार टॉपिक से नियरली सिक्सटी क्वेश्चन रहेंगे आउट ऑफ सेवन इवन मोर देन दैट मोर देन कुड सो अगर आप यह चार स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो यू कैन रॉक द एग्जाम डेफिनेटली एंड वी हैव सफिसियंट टाइम ट्रस्ट मी हु नो द बेसिक्स ना फॉर दैन इवन टू मंथ उसके बाद प्रैक्टिस करें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है यू कैन ज्वाइन देर तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें पीपल हु आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर द ऑथेंटिक बुक एग्जैक्ट सिलेबस वॉट टू फोकस हाउ टू टारगेट और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जितना भी खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो आई एस एल एम पार्ट है और नेशनल इनकम है इनके न्यूमेरिकल मस्ट है एटलीस्ट बेसिक न्यूमेरिकल्स आप करो कुछ नहीं तो सारे बुक्स में जितना भी मैं बुक्स बताया उसके एग्जाम्पल्स में न्यूमेरिकल हैं एटलीस्ट डू दोज न्यूमेरिकल्स यू विल बी डेफिनेटली एबल टू गेट टू हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड इन इकोनॉमिक्स एंड दैट इज मोर देन एन ए फॉर इंस्टीट्यूशंस लाइक जे एन यू एंड ऑल ठीक है जे एन यू क्योंकि सिर्फ डोमेन करती है और पार्ट ए में आप अगर अच्छा कर लेते हो इवन इफ यू रीड अ लॉर्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर मोर देन सेवनटीन एटीन आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव इन पार्ट ए सो डू इट एवरेजली ट्वेल्व टू फिफ्टीन इज डिसकोर मीन्स अराउंड फिफ्टी मार्क्स टू हंड्रेड यहाँ से आ गए तो डी एस सी भी आ गया जे एन यू भी हो गया आपको दिस इज द वे यू शुड अप्रोच चलिए थैंक यू सो मच गैज आई होपू गैज हैव डाउनलोडेड द वीडियो और यार इतना कम में मुझे नहीं लग रहा कि कोई इंडिया में आपको पढ़ाएगा एंड नॉट ओनली दिस आई विल बी विथ यू टिल लास्ट स्टेप ऑफ योर इकोनॉमिक्स लर्निंग चाहे आप आगे आर बी आई की तैयारी करो नेट जे आर एफ की तैयारी करो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की तैयारी करो आई एस ऑप्शनल की तैयारी करो यू कैन आस्क मी एनी थिंग इफ़ यू आर द माई स्टूडेंट यू कैन हास्क एनीथिंग और सबसे प्रॉब्लम क्या होता है सपोज दैट यू वॉट वन हंड्रेड वन हंड्रेड ट्वेंटी इन सब केस में आपका जे एन यू डी एस यू एस सी यू बी एच यू कहीं एडमिशन नहीं होगा इन एनी कैटेगरी देन वेर यू वॉन्ट एडमिशन तो फॉर देट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्री काउंसलिंग कि कम मार्क्स में कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए कहाँ कहाँ काउंसलिंग में जाना चाहिए सो ऑल दिस विल भी विथ यू एवरीथिंग विल बी फ्री पीपल हु विल बी ज्वाइनिंग द कोर्स दे विल भी हैव एक्सेस ऑफ एवरीथिंग टिल द एडमिशन दैट्स माई प्रॉमिस सो होप आई कैन सी यू इन द क्लास एंड कमिंग टू द रिविजन पार्ट आप लोग एट एनी कॉस्ट एट एनी कॉस्ट प्लीज डोंट स्ट्रेच द सिलेबस बियड ट्वेंटी फरवरी लास्ट नीयरली ट्वेंटी डेज रखें रिविज़न एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए पी वाई क्यू आपको करने हैं अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से करने हैं देखिए आपको पी वाई क्यू करने हैं किसके करने हैं पी वाई क्यू डी एस सी के नहीं करने हैं जे एन यू के करने हैं एच सी यू के करने हैं बी एच यू के करने हैं एंड सी यू सी ई टी एंड सी यू टी के करने हैं लास्ट एटलीस्ट टू थ्री ईयर्स के दैट्स इट नियरली ऑल टुगेदर यह मिला के ट्वेंटी प्लस सेट्स हो जाएंगे सो नियरली ट्वेंटी इंटू हंड्रेड या टू थाउजेंड क्वेश्चन मोर देन एनफ है ये इतना एनफ है अगर आप इसको रिसर्च करके करोगे तो होप वीडियो वॉज फ्रूटफुल सी यू इन द क्लास एंड बी रेडी टू एड योर नेम इन ट्वेंटी फोर बैच दिस इज द ट्वेंटी थ्री चलिए मिलूंगा आपसे आप, आप यू होप कि डेमो लेक्चर आप देख चुके होंगे और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट है जस्ट कॉन्टैक्ट पर्सनली यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर आई विल बी टेक्सटिंग यू एंड दीज ऑल यू कैन कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कॉल एंड एनी चलिए बाय बाय टेक केयर गैज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो एंड जस्ट बी हैप्पी न्यू ईयर इज ऑन द वे एंड डेफिनेटली इन्जॉय द क्लास सेशन कूपन कोड आप अप्लाई कर लेंगे अभी कूपन कोड का शायद ऑफर चल रहा होगा आप ऐप पे एक बार देख लेंगे शायद एच एन वाई करके कुछ कूपन कोड होगा ऑन द ऐप यू विल बी गेटिंग वेरी गुड डिस्काउंट एज वेल इवन लेसर देन दैट नियरली ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का ही कोर्स पड़ेगा ड्यूरिंग न्यू ईयर फेज ठीक है चलो गुड लक गाइस बाय बाय सी बायू चलिए मिलते हैं आई होप के आई विल बी गेटिंग फ्यू टैक्स आई डेफिनेटली लव टू रिप्लाइंग पीपल लव टू गाइडिंग पीपल आई हैव ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम लिंक इज गिवन बिलो देर आर टू गुड टेलीग्राम चैनल एक पे मैं इंफॉर्मेशन अपडेट करता हूँ एक पे डिस्कशन चलते रहता है पी वाई क्यू का कॉलेज का काउंसिलिंग का तो यू कैन ज्वाइन देयर ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट गाइज